पानी सभी लोग पीते हैं, फिर इसमें खास बात क्या है कि आज मैं पानी पी रही हूँ? इसमें खास बात ये है कि आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पानी किस खास समय पे पिए जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़े, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाए, जिससे कि आपका वेट भी लूज होने लगे और जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करने लगे। तो खास बात इसमें ये है कि किस सही समय पे आपको पानी पीना चाहिए। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको जैपनीज वाटर थेरेपी के बारे में, जो आपको ये बताएगी कि किस खास समय पे आप पानी पिए जिससे आप हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जैपनीज वाटर थेरेपी। जैपनीज वाटर थेरेपी क्या कहती है कि पानी पीने का एक निश्चित समय होता है। अगर उस गोल्डन समय में, गोल्डन आवर में आप पानी पीते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। यूं भी हमारे आयुर्वेद में भी पानी का महत्व इतना ज्यादा बताया गया है कि जीवन का वो एलिमेंट है जो सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी, 8 से 10 ग्लास पानी दिन भर में पी ही लेना चाहिए, लेकिन किस समय पे, अगर आप निर्धारित समय पे उसको पीते हैं तो आपकी बॉडी पे उसका और अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप जैपनीज वाटर थेरेपी को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जापान सबसे लंबी एज तक जीते हैं जैपनीज। आप अगर हमेशा पुराना रिकॉर्ड भी देख लें तो जैपनीज ही आपको हमेशा लंबी एज वाले लोग दिखेंगे। कभी सोचा है ऐसा क्यों? हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो सकता है वो कुछ ऐसी थेरेपीज को अपनाते हो जो उनको हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रमोट करती है या हेल्दी लाइफ देती है उनको। तो ऐसी ही एक उनकी अचूक हेल्दी लाइफ के बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ, जैपनीज वाटर थेरेपी। स्टेप बाय स्टेप इसको जान लीजिए, और सभी बड़ी आसान थेरेपी है, जानते सब है लेकिन जीवन में नहीं उतारते। तो सबसे पहले इस थेरेपी को जानने से पहले प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि अगर मुझे ये थेरेपी यूजफुल लगेगी, सुनने में अच्छी लगेगी, तो मैं अगले दिन से इसको फॉलो करना शुरू कर दूंगी। अपने आप से ये वादा कर लीजिए पहले। अब आते हैं हम स्टेप्स। जैपनीज वाटर थेरेपी में आपको क्या करना है? पहला स्टेप ये है कि सुबह जैसे ही सोकर उठे आप, तो आपको तुरंत पानी पीना है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आपको पानी पीना है। जैसे ही सोकर उठे 4 ग्लास 5 ग्लास आपको पानी पी लेना है। 4 ग्लास और 5 ग्लास सुबह सुबह पीना बहुत ज्यादा होता है। अभी जिसने कुछ नहीं इस थेरेपी को अपनाया है वो इतना पानी नहीं पी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 ग्लास से शुरू कर लीजिए। एक्सेस भी नहीं करना है कि 4-5 ग्लास कैसे कैसे पी लिया और फिर दिन भर परेशान हो रहे, वो भी नहीं करना है। स्टार्ट विथ सिंगल ग्लास, 1 ग्लास पी लीजिए, 2 ग्लास, जितना आप पी पाए उतना पीना शुरू कर दीजिए। तो सुबह उठिए, पहला स्टेप ये, जितना पानी आप पी पाए उतना पानी आपको पीना है। ग्लास से मेजर करके पीते जाइए, 1 ग्लास 2 ग्लास जितना आप पी सकें पी लीजिए। सुबह का ये जो समय है यही वो गोल्डन आवर होता है, जबकि अगर आपने पानी पिया, खाली पेट अगर आपने पानी पिया है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी ही होनी है, क्योंकि पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा, पूरी बॉडी में से जो भी गंदगी होगी उसको फ्लश कर देगा खाली पेट पिया हुआ पानी। साथ में ये ख्याल रखना है इसमें कि ब्रश भी नहीं करना, ब्रश करने से भी पहले आपको पानी पीना है। बिल्कुल याद रख लीजिए, उठे और सीधे पानी, 1 ग्लास 2 ग्लास आपको पानी पीते जाना है बिना ब्रश किए। सबसे पहला काम पानी पीना है। अब सेकेंड स्टेप, जो आपने पानी पिया उसके बाद आप अपना डेली रूटीन में आइए, ब्रश कीजिए, सब कुछ कीजिए। 45 मिनट्स आपको कुछ और नहीं खाना पीना, ये भी याद रखिए। तो 45 मिनट्स आपको ध्यान रखना है, ना तो आपको चाय पीनी है, ना तो आपको कुछ और पीना है सुबह, कुछ भी नहीं। 45 मिनट्स आपको गैप देना है, जितना पानी आप पी सके पी लीजिए सुबह, फिर गैप दे दीजिए। थर्ड स्टेप आता है कि जो आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इसके बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना, रेगुलर बेसिस पे आपको पानी नहीं पीना है।
तो ये भी आपको साथ में फॉलो करना है। इस चीज को बहुत लोग फॉलो करते भी हैं, पर निश्चित करिए इसको। निश्चित कैसा, सुबह पानी पीजिए, फिर दिन का गैप करिए, मतलब पूरी थेरेपी को अपनाइए। खाना खाने के बाद तो बहुत सारे लोग अभी भी वैसे भी पानी नहीं पीते हैं काफी देर तक, पर प्रयास करिए 2 घंटे तक ना पिए, और प्रयास करिए पूरी थेरेपी को एक साथ अपनाए। अच्छा, एक खास बात और बताना भूल गई, जो आपको मॉर्निंग वॉटर में करना है, पानी जो आपको पीना है ना, वो ठंडा नहीं पीना है। ठंडा पानी वैसे भी हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, हमको रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, या हल्का सा लीव वॉर्म जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा गुनगुना भी पी सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। तो ऐसा नहीं कि फ्रिज की बॉटल निकाली गटगट गटगट पानी ऐसे पीजिए, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीजिए और ग्लास से मेजर करके ही पीना है आपको। आप कितना पी रहे हैं आपको पता रहे कि स्टार्टिंग आपने कितने से की है। वैसे तो 4 to 5 glasses है, लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना नहीं कर पाएंगे, जितना पी पाए शुरुआत के लिए उतना कर लीजिए, जितना आप सहन कर पाए। 1 glass से करिए, 2 glass धीरे बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए, इसको ऐसे करिए। फिर आपने लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों में गैप कर दिया 2-2 घंटे का, 2-2 घंटे तक आपको नहीं पानी पीना है, बस इतना ही आपको करना है। यही जैपनीज वाटर थेरेपी है, यानी कि पानी पीने का सही समय निर्धारित कर लीजिए, निश्चित संख्या निर्धारित कर लीजिए कि इतना ग्लास मैं पी रहा हूं, इसी समय पे मैं पी रहा हूं। दूसरा, थोड़ा सा हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़िए, वॉक करते रहिए, ये सारी चीजें करिए। पर ये वाटर थेरेपी अगर आप अपनाएंगे तो जो जैपनीज मेडिकल जो सोसाइटी है, वहां के जो जर्नल्स निकलते हैं, उनमें यहां तक कहा जाता है कि अगर आप जैपनीज वाटर थेरेपी को फॉलो करते हैं तो आपका काफी जल्दी विद इन 10 days आपको अपने ब्लड प्रेशर में आराम दिखेगा, विद इन 20 days आपको और भी बीमारियों में आराम, कॉन्स्टिपेशन में आराम दिखने लगेगा। तो धीरे धीरे बॉडी में आपको ऐसे दिखने लगेगा कि रिजल्ट आपको 10-15 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम हो रहा है, या आपको ब्लड प्रेशर में आराम हो रहा है, या कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको जो भी गंदगी है वो बॉडी से फ्लश होना शुरू हो जाएगी पानी के साथ में। तो आपका वेट भी अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। वेट लूज करने का भी बहुत बेहतरीन तरीका है जैपनीज वाटर थेरेपी। रेगुलर टाइम पे, रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करिए। स्टार्टिंग में आप 1 महीने इसको फॉलो करके देखिए, और फिर एनालाइज करिए आपके हेल्थ में आपको क्या चेंजेस दिखे। अगर आपको अपने हेल्थ में चेंजेस दिखते हैं तो इसी थेरेपी को रेगुलर पूरा रूटीन लाइफ में अपनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हेल्दी तो हम हमेशा रहना चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हमको बीमारियां हो, हमेशा हम चाहते हैं स्वस्थ रहें। तो इस थेरेपी को जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके जीवन में हेल्थ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अनेकों इसके बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आप स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे, जब बॉडी की गंदगी निकलने लगती है ना, तो एंजाइटी और स्ट्रेस भी अपने आप कम हो जाता है, आपको ब्लड प्रेशर में आराम आएगा, आपको डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा काम करेगा, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलने लगेगा, वेट लूज भी आपका होने लगेगा, और भी आर्थराइटिस जैसी भी और सारी बीमारियां हैं उनमें भी आपको राहत धीरे धीरे आने लगेगी। इस थेरेपी को अपना कर देखिए, और अगर इतना पानी पी पाते हैं तो धीरे धीरे इसको रूटीन लाइफ में उतारिए और देखिए कैसे आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ जो जो लोग इसको पसंद करेंगे वो अगले ही दिन से इसको यूज करना, फॉलो करना भी शुरू कर देंगे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्ते।